सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आपको याद होगा कि हमने कुछ समय पहले व्यंजन प के शब्दों का ज्ञान प्राप्त किया था और उस खेल का नाम था जो जीता वही सिकंदर। तो आज हम व्यंजन प का लिखित अभ्यास करेंगे, परंतु उससे पहले चलिए एक बार पुनः हम व्यंजन प के शब्दों का अभ्यास करें। प से पिचकारी, प से पालना, प से पहिया, प से पर्दा, प से पंखा, प से पत्ता, प से पलक, प से परी, प से पुस्तक, प से पपीता, प से पंख, प से पनीर, प से पेंसिल, प से पौधा, प से पगड़ी। चलिए अब हम व्यंजन प का लिखित अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम पहली नीली रेखा से शुरू करेंगे। पहली नीली रेखा से शुरू करते हुए एक खड़ी रेखा बनाएंगे जो कि दूसरी नीली रेखा पर आके रुक जाएगी। अब हम नीचे की तरफ घुमाते हुए दूसरी नीली रेखा के पास ले आएंगे और इसे ऊपर की तरफ ले जाएंगे और एक खड़ी रेखा बनाएंगे जो कि तीसरी नीली रेखा से आके जुड़ जाएगी। अब हम इसके ऊपर बनाएंगे एक छत। तो हमारा व्यंजन प कुछ इस प्रकार दिखेगा। तो आज हमने व्यंजन प का लिखित अभ्यास किया। ऐसे ही आप अपने घर पर व्यंजन प का लिखित अभ्यास करेंगे, ठीक है? घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।